तो जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ लाइफ विद जबीन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। और इस वक्त सुबह के बज रहे हैं कोई 6:20 और यहाँ पे मैं आ गई हुई हूँ बच्चियों को उठाने के लिए, स्कूल के लिए रेडी करना है। और ये देखें जनाब, इनके यहाँ पे यूनिफॉर्म प्रेस होके पड़े हैं और वो नीचे कदर आपको कुछ नज़र आ रहा है, वो मेरी बड़ी बेटी है सारा, वो सो रही है। और ये देखें जनाब, ज़ैनब आप उठ भी जाएं, हैं उठ जाओ। हाँ, एसी के ऊपर रख दूँ ऐसे करके? क्यों, लोगों ने कभी एसी नहीं देखा? तो जनाब बस अब बच्चों को उठाते हैं, और बल्कि उठा रही हूँ, दो तो उठ गई हैं। और इसको अब मैं रामीन को कह रही हूँ कि रामीन थोड़ी सी रिवीजन ही कर लो, थोड़ी सी रमीन कर लो, थोड़ी सी रिवीजन बेटा, सर्दी लग रही है तो एसी बंद कर देती हूँ फिर। चलो ठीक है। ज़ैनब आपका क्या ख्याल है इस बारे में? हैं, ज़ैनब का कोई ख्याल नहीं है। और ये देखें कितनी अच्छी बच्ची हैं कि ये सबसे पहले उठ गई हैं। नींद आ रही है? ये वाला टाइम ही ऐसा होता है कि आपका बिल्कुल भी उठने का दिल नहीं करता। और अभी तो समर है, विंटर में तो बिल्कुल ही दिल नहीं करता। हम बड़ों का नहीं दिल कर रहा था उस टाइम उठने को, ऐसे दिल करता है ऐसे लेटे रहे, ऐसे ही कुछ सीन है। तो चलें जनाब, इनको उठा रहे हैं, रेडी करते हैं। सारा उठ जाओ, सारा। और ये सारा का हाल देखिए आप, कि 5 o'clock से उसको मैं उठा रही हूँ, क्योंकि इसने कहा था मामा मैं ना अलार्म लगा रही हूँ 5 बजे का, मैं उठ जाऊँगी। इसके अलार्म से मैं उठी हूँ, सीरियसली ये अभी तक सोई हुई है। चलो ज़ैनब आप भी उठ जाओ, उठ जाओ। ये क्या, ये आप अपने नैन मटका रही हो इधर उधर, हैं बताओ हैं? चलें जनाब, बच्चों को रेडी करते हैं स्कूल के लिए। तो जी व्यूअर्स, मैं हो चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह फारिग, और ज़रा मैंने कहा बाहर का नज़ारा कर लें। गर्मी गर्मी है, लेकिन शुक्र है कि वो जो हालात थे ना पसीने पसीने वाला, वो नहीं है, बेहतर है। और मैं अपने कामों से, ये देखें जनाब, सारे काम करके फ्री, और मैं फ्रेश भी हो गई हूँ। और बच्चियाँ आज तीनों स्कूल गई हैं, तो टाइम देखें 9:05 हो रहे हैं, और मैं एज़ यूजुअल अपने कामों से फारिग। बस ये कवर धोने के लिए अभी डालने हैं मैंने, क्योंकि ऑलरेडी एक राउंड उसमें कपड़ों का चल रहा है मशीन में, तो फिर वो डालेंगे। और ये देखें जनाब किचन भी, और मज़े की बात मैंने खाना भी बना लिया है, बस हंडिया दम पे पड़ी है, ये देखें जी। और आज मैंने बहुत टाइम के बाद क्या बना रही हूँ, दाल माश, ये देखें जी। असल में ना जो मेरी बच्चियाँ ना, मेरी बच्चियाँ मतलब ये है कि हर बच्चे की चॉइस डिफरेंट है। अब सारा है ना, उसको वो मसूर की दाल पसंद है, वो भी पतली करके, मुझे भी दाल चावल में वही पसंद है। लेकिन जो माजिद हैं वो दाल माश भी बड़े शौक से खाते हैं, वो सारी दालें खा लेते हैं, साबुत मूंगी भी। लेकिन ये है कि उनको किडनी का इशू है, तो दाल माश में मुझे बहुत कम बनाती हूँ। और सुबह इससे भी पहले मैंने, ये देखें जी, यहाँ पे स्पैगेटी भी बॉईल करके मैंने रख ली है, चिकन की भी कटिंग करके रख ली है। तो आज मैं बनाने लगी थी स्पैगेटी, और ये भी बिल्कुल रेडी हो जानी थी, जब वो सॉसेस चेक किए हैं जनाब, पता चला जी सॉसेस ही नहीं है। तो अब मैंने बस ये बॉईल कर लिया, चिकन की कटिंग करके उसको फ्रिज में रख दिया कि अब हस्बैंड उठेंगे तो वो मुझे सॉसेस ला देंगे, नहीं तो ये भी रेडी हो जानी थी स्पैगेटी भी। और बस जी, अब जो है सीन कुछ ऐसा कि ये देखिए 9:05 हो गए हैं, और हस्बैंड मेरे उठते हैं तकरीबन 9:30 तक, तो मेरे पास अभी है 20-25 minutes। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों ना सो जाऊँ थोड़ा सा, ठीक है जी, क्योंकि सुबह उठते हैं नमाज के लिए, उसके बाद फिर नींद ही नहीं आती, लाइक सोया ही नहीं जाता, टाइम नहीं मिलता। तो चलें जनाब, मैं भी ज़रा थोड़ी नींद ले लूं, ठीक है जी, फिर ज़रा दोबारा फ्रेश हो जाएंगे, और बच्चियों ने भी आज जल्दी आ जाना है। तो चलें जनाब, मैं ज़रा रेस्ट कर लूँ।
अच्छा ठीक है। हाँ जी जनाब, ये देखिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी, क्योंकि जो सारा मैडम है वो कह रही हैं जी मैंने स्पैगेटी नहीं खानी, तो ना खाएं जी, हम खा लेंगे। तो अब उसको मैं दाल माश बनाई है जो, उसके साथ अब रोटी देने लगी हूँ। और ये देखें जी रोटी बन रही है, तो क्योंकि असल में वो इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं करती, तो लेकिन अब और मुझे जब भी मैं बनाती हूँ ना, तो मुझे ये होता है कि शायद खाएगी पसंद कर लेगी, लेकिन उसको इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं आती। लेकिन आज फिर ऐसा हुआ है कि मैंने डाल कर दी और उसने वापस करा दिया, लेकिन मुझे नसीहत हो गई है कि नेक्स्ट टाइम इसके लिए कम से कम मैं इस तरह की कोई तरदुद करके कोई चीज़ नहीं बनाऊँगी, ये देसी ही खाने खाएगी। तो बस जनाब ये रोटी बन गई है और इसको अब मैं खाना देने लगी हूँ जी। तो जनाब ये देखें, यहाँ पर मैंने स्पैगेटी सर्व कर दी है बच्चों को, और ये देखें मैं अपने लिए भी लेकर आ गई हूँ। ये ज़ैनब की है, और ज़ैनब की ना मैंने धोकर उसको दिया है क्योंकि उसको ना स्पाइस लगती है ज़रा, तो और ये इसकी, और ये देखें जी ये देसी बच्चा ये दाल रोटी खा रही है, और साथ में ये देखें वही चॉकलेट कॉफ़ी शेक ज़बरदस्त वाला। तो मामा भी तो बड़ी है ना इसलिए। आप इससे बड़ी हैं लेकिन मेरे से तो बड़ी नहीं है ना भाई। फिर भी क्या मतलब फिर भी? भाई देखे ना, असल जो चीज़ है वो तो स्पैगेटी है ना, जो आपने इंजॉय करनी है। ठीक हो गया, देखें आप दोनों मेरे से छोटी हैं, ठीक है मेरे से छोटी हैं, इसलिए बड़ा मग्गा मैंने लिया है, मग्गा बड़ा मग मैंने लिया है। और ये चलें, आप जब आपके थोड़ा सा नीचे जाएगा तो मैं आपको थोड़ा सा और दे दूंगी, ठीक है ज़ैनब? ज़ैनब को गुस्सा आ गया, लेकिन आप देख लें कि मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली स्पैगेटी बनाई है। ठीक हो गया, स्पेशली आप लोगों के लिए, जब आप लोग खाएं इंजॉय करें। ये देखें जनाब, बस बच्चे ऐसे भी होते हैं कि इसने स्पेशली मेरे से रोटी बनवाई है, और मेरा बिल्कुल दिल नहीं था रोटी बनाने का, क्योंकि मेरे जहन में था कि ये हम रात को खाएंगे दाल और स्पैगेटी भी खाएंगे, और अब ये रोटी खाने के बाद कह रही है अब ना मेरा दिल चाह रहा है कि मैं स्पैगेटी खा लूँ, क्योंकि जब मैं कभी भी स्पैगेटी या जो है पास्ता, वो कभी भी मेन फूड जो मेन कोर्स होता है उसमें खाना नहीं पसंद करती। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था, तो डायरेक्ट स्पैगेटी नहीं खाना चाह रही थी मैं, डायरेक्ट रोटी लेना चाह रही थी। जाएं डालें आप खाएं, हम तो अपना एंजॉय कर रहे हैं, आप खुद डालें और खुद खाएं, शुक्रिया। तो जी जनाब मैं आ गई थी जी खा पी के अपने रूम में, और देखें जी अब यहाँ पे होने लगा थोड़ा सा आराम, क्योंकि भाई आपको जैसे मैंने सुबह भी बताया कि जाहिर है सुबह के उठे होते हैं नमाज के टाइम के, मैं ऐसे में ना नमाज के बाद ना मैं लेटती नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं लेट जाऊं तो फिर ना इतनी सुस्ती हो जाती है, इस किस्म की सुस्ती होती है कि दिल ही नहीं चाहता फिर काम करने को, दिल चाहता है अच्छा नींद पूरी कर लें फिर करेंगे। तो मैं इसलिए ना नमाज के बाद फिर सोती नहीं हूँ, मैं अपने काम काज कर लेती हूँ। तो अब आप देखें जैसे कि अभी 11:30 हुए हैं, और अब मैं बस रेस्ट करूँगी और अभी जोहर तक थोड़ी नींद पूरी कर लेंगे, ठीक है ना ज़ैनब? चलो ये कहाँ से आ गया, छोड़ दो यार, ज़बरदस्ती ना पकड़ा करो, ज़बरदस्ती ना पकड़ा करो। हाँ आई नो क्यूटी है, आ जाओ मैक्स, आ जाओ, आ जाओ। वो देखो वो भी सोना चाहता है, वो भी सोने लगा, सो जाओ मैक्स, सो जाओ। चलो ज़ैनब आप भी वहाँ लेट जाओ उधर पिलो पे, चलो ना। और ये आपने क्या अजीब से रंग बिरंगे कपड़े खुद ही पहन लिए आज है? चले जनाब अब ज़रा रेस्ट करते हैं, ठीक है जी, फिर आपसे ना रेस्ट के बाद मिलेंगे, आप लोग भी रेस्ट कीजिए। तो जी देखें जी हमने रेस्ट वगैरह कर लिया है, बच्चियाँ भी सो के उठ गई हैं, और ये देखें जनाब यहाँ पे सरप्राइज के कैप के अंदर से ये कोड मिल गया। हाँ बेटा ये ऐसे ही होता है कभी, मम्मा को पता नहीं हो जाए यार, एक दफा ट्राई तो करनी चाहिए। चलो देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। कोड है 1914517 8। सही है।
और जैनब, ये जैनब तो जनाब अब उठी है सो के, बाकी तो आपको पता ही है कि मैं तो पहले ही उठ गए थे जोहर के टाइम ही, तो लेकिन ये अभी अभी सो के उठी है, और ये मैक्स भी अभी अभी सो के उठा है। छोड़ दो, जब वो पीछे पड़ जाएगा ना फिर तुमने कहना है मम्मा इसने काट लिया, इसने नोच लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं नहीं कहती ये रोती है। मैक्स क्या हुआ जैनब, रामीन आपको तंग आ रही है? रामीन पीछे पड़ जाएगा वो। और जैनब अभी कारी साहब का भी टाइम होने वाला आपका, और आप चुड़ैल लग रही हो इस वक्त, आपने अपने ना ये बाल खोले, वैसे चुड़ैल नहीं होती, लोग डर जाएंगे। हाँ सही कह रही हूँ, लोग डर जाएंगे। कब से देख रही हूँ, इस तरह कौन डरता है? डरते हैं ना इस तरह की शक्ल देख के, लोग डर जाते हैं कि इतनी ड्रोनी शक्ल। उधर करें, उधर की तरफ करें, करें ना पर डर नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा हटा लेती हूँ। चले जी जनाब, अभी इनके कारी साहब का भी टाइम हो रहा है, और ये भी उठी है तो मुझे खाने पीने के लिए भी कुछ मांग रही है। ये ऐसे नहीं करो ना, उधर करें। अच्छा ठीक है, तो चलें जी अब जरा देखते हैं। है ना बुरी बात होती है ना, नहीं करते ऐसे, सही कह रही हूँ, बुरी बात होती है। चुड़ैल लग रही हो वैसे आप। चलो ठीक है, चली जाओ, और नीचे से देखना लिजर्ट निकल आएगी। चलो आ जाओ। चले जनाब, मैं जरा देखूं कि इसको क्या चाहिए और ये क्या करना चाह रही है। ठीक है जी, उठते हैं अब हम भी, जरा कमरे से बाहर निकलें। अंदर ही आज तो हमने पूरा दिन अंदर ही गुजार दिया जब से बच्चे आए हैं, तो चलें जी जरा बाहर भी चल के बैठते हैं। अच्छा चलो ठीक है, भला ये कहा ना मुझे। अच्छा पहली बात तो ये कि आप मुझे बड़ी क्यूटी लग रही हो, क्योंकि आपने इतना प्यारा सा स्टॉलर लपेटा हुआ है। अच्छा, हाँ बोलो। तूने बात कर दी, चलो ठीक है ठीक है, आप लोग आओगे ना आते ही मैं आपको खाना देती हूँ। ओके ले जी, बच्चियाँ माशाल्लाह चली गई हैं सुपारा पढ़ने के लिए, और मैं देखें जी यहाँ पे 5:15 हो रहे हैं, मैं भी ज़रा नमाज़ पढ़ लूँ, फिर इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होती है। ठीक है जी। जनाब ये देखें मेरी सबसे प्यारी वाली बेटी आ गई है जनाब, और वो खा रही है स्पैगेटी। अच्छा अच्छा चलो ये लो ये लो। और मेरी बेटी खा रही है स्पैगेटी, और इसने जनाब फिर फरमाइश कर दी है जी कि मुझे चॉकलेट शेक बना दो, और यहाँ पर टाइम हो गया है 6:45, और चलें जी मैं ज़रा चॉकलेट शेक बना दूँ इसको। बच्चों के ना वैसे मैंने देखा है इनके ज़ुबान के ना चस्के भी ख़त्म नहीं होते, तो चलें जी आए आप भी मेरे साथ चॉकलेट शेक बनाएं, मैं अकेली क्यों बनाऊँ, चलें आप भी मेरे साथ लगें। चॉकलेट शेक मैंने सर्व भी कर दिया है, और ये भी आ गई थी, इसने कहा जी मुझे भी दें, इसको भी दे दिया है, और यहाँ से एक सिप ज़रा मैं भी ले लूँ। वेरी टेस्टी। चलें जी मैं भी ज़रा स्पेगेटी भी ले रही थी अपनी, मैंने कहा मैं भी थोड़ी सी खा लूँ। टेस्टी है।
हूँ। आप ये देखें एज यूजुअल, अब तो मेरी हंसी भी निकलती है, ये देखें जी 10:15 हो गए हैं और तमाशा लगा हुआ है, अभी ऐड आ गए हैं और ये देखें जी। लेकिन अभी आज सीन कुछ ऐसा है कि ये जो आपको कोक नज़र आ रही है, स्टिंग नज़र आ रही है या ये चिप्स नज़र आ रहे हैं, ये सिर्फ सारा का और मेरे लिए है, ठीक है। और जो है जैनब और रामीन, उन्होंने अपने लिए आइसक्रीम ऑर्डर की है, तो वो भी थोड़ी देर में आ जाएगी, तो फिर हम लोग इंजॉय करेंगे। अभी तो हम जो है ये अभी पीने लगे हैं, क्योंकि मेरा आइसक्रीम का मूड नहीं हो रहा था ना सारा का, तो हमने कहा भी हम तो कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे और साथ में चिप्स खाएंगे। तो चलें जी जनाब, अभी हम ज़रा ये इंजॉय करें। लेकिन हाँ, ये एक सिप में ले कि ज़रा आपको बताऊँ कि ये कैसी है। मज़ा ही आ गया। लेकिन मेरी जो फेवरेट है ना, वो है मेरी ब्लू स्टिंग, जो है ब्लूबेरी फ्लेवर। ये जो रेड स्टिंग है, ये सारा की फेवरेट है, लेकिन अभी मुझे मिली नहीं है ब्लू, तो मुझे फिर रेड लानी पड़ी है। बाकी ये भी पूरी हमारी है जनाब, बस खा रहे हैं, पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो आपकी नहीं है, हम सब की है। आपके लिए आइसक्रीम आई है, मैंने, हमने आइसक्रीम नहीं ली। मम्मा, अगर ये बची। बेटा ये हम नहीं बचाएंगे। आप ये देखो, मैं आपको बताती हूँ, मेरा और सारा पा का टोटल जो सामान है ना, ये आया है 400 में, हम दो पर्सन का। बात सुनो आप पहले, नहीं नहीं आप पहले मेरी बात सुनो, सारा पा का और मेरा ये जो चीज़ें आई हैं ना, ये आई हैं 400 में। कितने में? 400। आपका और रामीन आपा का दोनों का कितने में आ रहा है ऑर्डर? 800 में, यानी उससे हाफ में हमने लिया है, समझ आइए आपको। तो आप हमसे एक चीज भी नहीं मांग सकती, हमने 400 का सैक्रिफाइस किया है, चेक करो जरा। अच्छा असल में मैं आपको एक और बात, एक असल में सैनब, मैं पहले जरा ऑडियंस को कुछ बता दूँ ना, असल में हम लोग तो आपको पता है एज यूजुअल के ये डेली खाते पीते हैं चीज़ें इस टाइम, लेकिन आज स्पेशल है क्योंकि बच्चियों ने अपने डैडी को कहा हुआ था कि आपके ना 200 के 300 सब्सक्राइबर होंगे, यानी हर 100 के बाद था कि सब्सक्राइबर होंगे तो हमें हल्का फुल्का आपने खाना खिलाना है या कुछ भी है, तो ये उस खुशी में है। तो लेकिन इन्होंने आइसक्रीम ऑर्डर की है, हमने ये, और ये बस अब हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, मज़ा आ रहा है, बस खा पी रहे हैं। लेकिन ये जो हम खा पी रहे हैं ना, इससे जो कैलोरीज गेन हो रही हैं वो आपकी सोच होगी। तो बात करेंगे डिटेल से, क्योंकि ये कोई हेल्दी चीज़ें तो है नहीं, इनसे नुकसान ही नुकसान है, इनसे फ़ायदा कोई भी नहीं, आपको 1% भी नहीं है। हाँ, अगर फ़ायदा है तो सिर्फ एक, चिल हो रहा है बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसको या खाओ, मैंने बस एक लेना था ये। तो और इससे जो मेरे बॉडी पे जो इफ़ेक्ट होता है ना सबसे ज़्यादा, वो ये होता है कि वेट गेन होता है, और मेरा तो बहुत जल्दी होता है। और ये जैनब, अब देखो मैं बात कर रही हूँ ना, फिर आवाज़ समझ नहीं आती है फिर व्यूअर्स को। तो और मेरा तो अपनी अपनी फिजीक होती है, मेरी कुछ ऐसी है कि भाई मुझे पानी भी लगता है, लेकिन ये जो 3 मंथ्स बच्चों को छुट्टियां रही हैं ना, तो इसमें मैंने बहुत खाया है, बहुत चीट की है, डाइट तो की नहीं है। नहीं तो मैं मोस्टली क्या होता है कि अभी आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को मेरे बारे में पता चलेगा कि मैं कोई 1-2 महीना डाइट पर रहती हूँ, फिर 2 महीने मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। तो या फिर ये होता है कि जब किसी कोई ओकेजन आने वाला हो, कोई फंक्शन आने वाला हो, फिर मैं डाइट पर आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बॉडी का इतना अंदाज़ा हो गया है, मुझे पता है कि मैंने इसको लूज़ कैसे करना है वेट को, और गेन तो हो ही जाता है खा पी के। तो अब इतना हो गया है कि अब मुझे पता है कि अब ज़रूरत हो गई है इसको लूज़ करने की। हाँ जी, वकोलॉजी। और हाँ, असल में जो एम फॉर माजिद सलीम है, वो मेरे हस्बैंड का है चैनल, आप उसको भी देखें, जाएं और इंजॉय करें। और जो वॉकोलॉजी है, आप इसको वॉकोलॉजी बोल लें, वॉकोलॉजी बोल लें, वो मेरे भाई का है, और उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग उसकी वीडियोस होती हैं, जिसमें आप घर बैठे बैठे दुबई में पता नहीं कहाँ कहाँ की सैर कर लेते हैं,
वहाँ वहाँ की सैर आप करेंगे जहाँ मैंने दुबई जाकर भी सैर नहीं की, और अब मैं वो अपने भाई की वीडियोस देखती हूँ कि अच्छा मैंने ये भी नहीं देखा था, मैंने ये भी नहीं देखा था। तो खैर दोबारा आते हैं बैक टू द टॉपिक, और वो ये कि वेट के हवाले से, और इंशाल्लाह कल आपसे ना डिटेल में इसके बारे में बात करूँगी। अरे देखें ज़रा बच्चे बात नहीं मुझे करने दे रहे। हाँ जी क्या बात है? अच्छा चलो ठीक है ठीक है जनाब, मैं कल से ना आप कल आपसे ना इस जो है वेट लॉस के बारे में कल डिटेल से बात करूंगी, और बताऊंगी कि आगे नेक्स्ट वीडियोस में मेरे क्या क्या कंटेंट होंगे इस हवाले से, क्योंकि अभी ना बच्चे ना शोर भी करते हैं और अपनी बात रखते हैं। तो मैं ना तसल्ली से कल आपसे इस बारे में बात करूंगी, और अब तक के लिए बस इतना ही है ठीक है, क्योंकि ब्रेक ख़त्म होने वाली है और तमाशा लगने वाला है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपने पसंद की होगी, तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब तो लाजमी कर दें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।